हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक हमारा है जसप्रीत बुमराह व स्मृति मंधाना, जून माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जसप्रीत बुमराह व स्मृति मंधाना पर। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं इससे संबंधित प्रश्न भी फ्रेम करूंगा और उसके उत्तर भी बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जून माह के लिए, जून 2024 माह के लिए T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। ICC ने चुना है। कौन चुनता है? ICC। और एक बात आपको और यहाँ पर बता दूं कि ICC जो है वो प्रत्येक माह सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों की घोषणा करता है। तो जून माह के लिए अभी उसने घोषणा करी है, तो जून माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है वो जसप्रीत बुमराह को घोषित किया है। अब इस प्रतियोगिता में और कौन कौन लोग शामिल थे, हालांकि इस प्रतियोगिता जो है जसप्रीत बुमराह ने जीत ली, लेकिन इस प्रतियोगिता में और कौन कौन लोग शामिल रहे, तो बुमराह ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और अफगानिस्तान के रहमानलाल गुरवाज को पीछे छोड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर बुमराह ने जून 2000 माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता। अब बात आती है महिला की, महिला वर्ग में तो महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को जून माह हेतु सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया। पुरुष खिलाड़ी कौन से रहे? जसप्रीत बुमराह। और महिला खिलाड़ी कौन सी रही? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कौन है? भारतीय महिला टीम की उप कप्तान है। उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे श्रृंखला में उत्तम प्रदर्शन के लिए दिया गया है। जसप्रीत बुमराह को क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने T20 कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन, ICC T20 विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और स्मृति मंधाना को क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वनडे जो श्रृंखला हुई थी उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। अब स्मृति मंधाना ने किन लोगों को छोड़ा है इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, किन लोगों को पीछे छोड़ा है? तो मंधाना ने इंग्लैंड की माइया बाउचर और श्रीलंका की बिस्मा गुणरत्ना को पीछे छोड़ा है। अब ICC से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताई देता हूँ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दुबई में है। दुबई कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। और ICC के चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले हैं। अब यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि अंत में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके बताऊंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये कि ICC ने जून माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है कि ICC ने जून माह 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो वहां हमारा उत्तर क्या होगा? स्मृति मंधाना। अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्या फ्रेम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या ICC का मुख्यालय कहां है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? दुबई। ICC के चेयरमैन कौन है या वर्तमान में ICC के चेयरमैन कौन है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? ग्रेग बार्कले। एक GK एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।